हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा सभी। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पायर एकेडमी जयपुर। देखिए बेटा, जो हमारा लास्ट क्लास थी उसमें हमने नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक थर्ड पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और उससे बेस जितने भी एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन थे उन सबको हमने सॉल्व किया था। आज हम एक नई पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास गिवन होगी जिसमें y, जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं यहां पर, वो डायरेक्टली अपेंड नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होंगे, लेकिन y डायरेक्टली अपेंड नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए हेडिंग डालेंगे इक्वेशंस नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली। ठीक है बेटा, ऐसी इक्वेशंस जिसमें y डायरेक्टली कंटेन नहीं करता है, अपने इस तरह की इक्वेशंस का एक जनरल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म लाइक इस फॉर्म की फंक्शन ऑफ डी एन डी एक्स की पावर एन एंथ माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव डी एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। डी वाई बाय डी एक्स होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये रिलेशन आपको जो सामने दिख रहा है, ये इस पर्टिकुलर फॉर्म की एक एग्जांपल हो गया हमारे लिए। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वाई डायरेक्टली अपेंड नहीं है, एक्स होगा और वाई के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होंगे। अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस केस में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर जो है वो डिक्रीज करेंगे बाय अज्यूमिंग द लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू ए डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हम इस इक्वेशन में जो न्यूनतम कोटि का जो अवकल गुणांक है उसको एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आश्रित चर से कंसीडर करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो ऑर्डर है वो बेटा डिक्रीज हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, और वो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी उसको हम सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे बेटा यहां से, ये लिखेंगे इक्वेशन नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली, और ये लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे यहां तक लिख लिया सबने, यहां तक लिखेंगे, उसके बाद में जो बोल रहा हूं वो लिखेंगे। इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिक्रीज्ड by assuming the lowest order differential coefficients, by assuming the lowest order differential coefficient to a dependent variable, okay? That is, consider यहां पर जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है बेटा, डीवाई बाई डी एक्स। इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा, डीवाई बाई डी एक्स को मैं पी से कंसिडर करूंगा। देखो लोएस्ट ऑर्डर मैंने क्या कहा है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो लोएस्ट ऑर्डर का है उसको पी से कंसिडर करेंगे। अब वो लोएस्ट ऑर्डर चाहे तीन ऑर्डर का हो चाहे चार ऑर्डर का हो, उसी को अपन पी से कंसीडर करेंगे।
क्लियर बात। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, डीपी अपॉन डी एक्स। और इसी कंटिन्यूशन में nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है बेटा, nth ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा n माइनस वन ऑर्डर किसका, p का विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां तक समझ में आई बेटा बात। देन गिवन इक्वेशन रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ठीक है, तो दी गई समीकरण है वो किस फॉर्म में आ जाएगी बेटा, फंक्शन ऑफ इसका किसका, p का n माइनस वन डेरिवेटिव, n माइनस टू डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर n माइनस टू। और ऐसी तरह से ये हो जाएगा बेटा dp अपॉन dx और p एंड x बराबर जीरो। समझ में आई बात यहां तक। अगर इस इक्वेशन को मैं एक कह दूं बेटा, इस इक्वेशन को मैं दो कह दूं, तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर दो है बेटा वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल p और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिसका सॉल्यूशन क्या आएगा, p और x में एक रिलेशन आएगा। क्या आएगा बेटा, p और x में एक रिलेशन आएगा। आप सभी जानते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या कितने भी ऑर्डर का हो, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, एक रिलेशन ही तो होता है बेटा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने मान लिया, एक x का फंक्शन आया p बराबर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो वहां से फिर हम क्या करेंगे, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू गिवन बाय p इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ, फाई ले लिया अपन ने, साई ले लो ठीक है, फंक्शन ऑफ x ठीक है। p का मतलब क्या है हमारे पास, यहां p का मतलब है सर यहां पर dy by dx, p का मतलब है dy by dx, तो क्या हो जाएगा dy by dx लिख देंगे इसको, ये हो गया बेटा फंक्शन ऑफ x, और dy बराबर psi x और dx और इंटीग्रेटिंग समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ psi ऑफ x dx और प्लस कांस्टेंट, तो से कांस्टेंट। आई बात समझ में, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन, जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे सामने प्रेजेंट है। आई बात समझ में, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे बेटा इसको एक बार लिख लेंगे, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू गिवन बाय, इस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमेशा ऑलवेज हमें क्या करना है, तो लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको एक डिपेंडेंट वेरिएबल से कंसीडर करना है, और हमारे पास p और x में एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके p और x में एक रिलेशन निकालेंगे, p की वैल्यू पुट करते हुए हम x और y में जो रिलेशन आएगा हमारे पास, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो यहां तक सबने लिख लिया होगा शायद, क्या लिखेंगे, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां तक हमने प्रोसीजर समझा है, अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में 15 में आया हुआ है बेटा, 2015 में आया हुआ है ठीक है, 5.4 एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर एक, एग्जाम्पल भी करने हैं मैं, देखो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं और करवा भी इसीलिए रहा हूं ठीक है, और आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी करने हैं बेटा, एग्जाम्पल भी करने
अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी करने, ठीक है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लगभग कोशिश यही मैं कर रहा हूँ, लगभग क्वेश्चंस में यहाँ करवा रहा हूँ, लेकिन बेटा आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए ट्वाइस ऑफ वाई डबल डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 4 बराबर 6। देखो देखो बेटा क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है बेटा, आप देख रहे हैं यहां पर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लिखे हम, चलो ढंग से लिखते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन इज क्या हो गया बेटा, ट्वाइस ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम यहां पर देख रहे हैं इस इक्वेशन में y डायरेक्टली अपेयर नहीं है, y डायरेक्टली कंटेन नहीं करता है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, इक्वेशन 1 डज नॉट कंटेन y डायरेक्टली, तो इट मे बी सॉल्व्ड बाय अज्यूमिंग, यहां से लिखेंगे आगे, इक्वेशन 1 does not contain y directly, so it may be solved by assuming, kya assume kare beta, lowest order derivative kya hai yahan par, dy by dx hi hai, by assuming dy by dx is equals to p, और अगर ये p हो गया तो सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा बेटा हमारे लिए, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन p, यहां तक बात समझ में आ गई, तो फ्रॉम वन एंड टू एक व दो से, देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू एक व दो से ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करके लिखूं बेटा, तो 2 से डिवाइड कर दे, क्या ऐसा करो, ऐसा कीजिए ट्वाइस ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स बराबर ये पी स्क्वायर उधर जाएगा, पी स्क्वायर 4 भी उधर जाएगा माइनस 4, तो देखो ये क्वेश्चन क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें मैं देख पा रहा हूं कि वेरिएबल्स सेपरेट हो रहे हैं बेटा, वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, और वेरिएबल्स सेपरेट हो रहे हैं तो सेपरेट कर देंगे दोनों तरफ, हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन द टर्म्स ऑफ एक्स, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए जो आपके सामने लिखी हुई है, एक मिनट बेटा चालू रखें। हाँ जी, तो देखिए बेटा यहां पर ये जो p और x में डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, कर दे बेटा कर दो, यहां से आगे सॉल्व करते हैं, p का जो फंक्शन है dp के साथ सेपरेट कर दीजिए, dx को हम यहां लिख देंगे, चलो लिखता हूं मैं यहां से
देखो टू ऊपर नीचे पी स्क्वायर माइनस फोर डीपी और बराबर डीएक्स बराबर डीएक्स। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए बेटा अपन पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको मैं पी माइनस टू और पी प्लस टू लिख दूं, ट्वाइस ऑफ पी माइनस टू और पी प्लस टू पी प्लस टू डी पी बराबर डी एक्स। क्लियर? चलिए बेटा दो तो दो रहने दो बाहर, इन दोनों को मैं अलग अलग लिख दूं। अरे आंशिक भिन्न से अलग अलग करना जानते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन से हम अलग अलग करेंगे बेटा, तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई भी होगी लीनियर फैक्टर्स के लिए, रैखिक गुणनखंड हमारे पास है तो हम किस तरह से इनको अलग अलग करें। कैसे कर रहे हैं हम, किसको अलग अलग कर रहे हैं? वन अपॉन पी माइनस टू पी प्लस टू, इसको अलग अलग कर रहे हैं बेटा, तो अलग अलग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर चाहिए सर मुझे, इसका फैक्टर चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए मुझे, तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे। देखो ध्यान समझना, इसको जीरो के बराबर रखोगे, पी का मान क्या आया दो, और इस फैक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सब जगह पी का मान दो पुट कर देंगे। क्या आया बेटा? ऊपर एक, नीचे दो प्लस दो चार, क्या आ गया? एक बटा चार। क्या आ गया बेटा? एक बटा चार। वापस से देखेंगे, अब इसका गुणांक चाहिए, इसको जीरो के बराबर रखा, क्या आया? पी बराबर माइनस दो, पी बराबर आया माइनस दो, और इस फैक्टर को छोड़ देंगे, इस फैक्टर को छोड़ते हुए सब जगह पी का मान माइनस दो रख देंगे। ऊपर एक, नीचे माइनस दो माइनस दो माइनस चार, तो माइनस का वन अपॉन फोर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? माइनस का वन अपॉन फोर, माइनस का वन अपॉन फोर हो गया अलग अलग, ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, यहां से देखेंगे आगे, तो हमारे पास आ गया बेटा ये टू अपॉन फोर, टू अपॉन फोर वन अपॉन पी माइनस टू माइनस वन अपॉन पी प्लस टू डी पी बराबर डीएक्स। ठीक है, समाकलन करते हैं दोनों तरफ और इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन कर दो बेटा, क्या होगा? वन बाई टू, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन पी माइनस टू और माइनस वन अपॉन पी प्लस टू डी पी और बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। यहां तक बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? चलो सर समझ में आ गई, समझ में आ गई तो आगे लिखो। देखेंगे एक बटा दो, चाहे तो आप उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, दो से, चलो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखेंगे क्या होगा, लॉग पी माइनस टू माइनस लॉग पी प्लस टू, यहां हो जाएगा बेटा टू एक्स और प्लस टू सी वन, दो से गुणा कर दिया, ये लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा बेटा, लॉग पी माइनस टू अपॉन पी प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा टू एक्स और प्लस सी वन डैश। मैंने टू सी वन को क्या मान दिया? सी वन डैश मान दिया। इस तरफ से लॉग हटाऊंगा क्योंकि मुझे पी का मान ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए यहां पे आ गया पी माइनस टू अपॉन पी प्लस टू, और यहां से आप देखेंगे ई टू दी पावर टू एक्स और प्लस सी वन डिश। ठीक है, ई टू दी पावर टू एक्स गुणा ई की पावर सी वन डिश, क्या हो जाएगा ये? इसको मैं लिखता हूं ई की पावर टू एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर सी वन डिश, को नया कॉन्स्टेंट मान देंगे ए, मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है सर ए, ई की पावर टू एक्स, जहां पर मैंने ए क्या माना है बेटा ई की पावर सी वन डैश। क्लियर? चलो तो क्या आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास रिलेशन आ गया सर, देखते जाओ समझते जाओ आराम से लिख लेना। यहां से हमारे पास आ गया पी माइनस टू बराबर p
प्लस टू मल्टीप्लाई ए की पावर 2x। मुझे p को सेपरेट करते हुए p का मान ज्ञात करना है, कुल मिला के बात ये। यहां देखेंगे बेटा p है, माइनस दो है, यहां देखेंगे p का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए की पावर 2x मल्टीप्लाई p प्लस 2 ए की पावर 2x। ठीक है, p को मैं इस तरफ ले रहा हूं, p को इस तरफ लाएंगे तो यहां से और यहां से p कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1 माइनस का a e की पावर 2x मल्टीप्लाई p बराबर, ये उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस a e की पावर 2x ये रहेगा। p का मान क्या आ गया बेटा हमारे लिए, p का मान आ गया सर हमारे लिए, p का मान आ गया p बराबर ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस का a e की पावर ऑफ 2x। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से, तो देखिए आप p का मान रखेंगे, p का मान रखेंगे हमारे पास जो समीकरण नंबर बनी थी दो उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, p इज द फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस p को किससे कंसिडर करेंगे, तो हमने एज्यूम किया dy by dx से, तो dy by dx तो क्या हो जाएगा dy by dx बराबर ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस का a e की पावर 2x। ठीक है बेटा, क्या करेंगे dx को हम यहां लिख देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन कर दीजिए बेटा, समाकलन करोगे तो इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस का a e की पावर 2x dx और प्लस कॉन्स्टेंट c1। यहां तक बात समझ में आ गया अच्छे से, c1 तो हमने पहले ही मान रखा है, c2 मान लो, c1 तो हमने पहले भी माना था शायद, c2 कह दो, यहां कोई भी नया कॉन्स्टेंट मतलब ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट लेना है हमें, कुछ भी ले सकते हैं। यहां तक समझ में आया अच्छे से बेटा, बढ़िया से, चलो अब इसको सोल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करते हैं इसको। लेफ्ट साइड तो हो गया भाई, ये दो इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है सर हमें, नीचे फैक्टर है वन माइनस ए की पावर टू एक्स, ऊपर है वन प्लस ए की पावर टू एक्स, क्या करेंगे देखो, ऊपर में ऐसा लिख सकता हूं वन माइनस ए की पावर टू एक्स और प्लस टू की पावर सॉरी टू ए की पावर टू एक्स अपॉन वन माइनस का ए की पावर टू एक्स डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बेटा अच्छे से, क्या किया मैंने, मैंने a e की पावर 2x ऊपर जोड़ा है और a e की पावर 2x को घटाया, मतलब प्लस में था उसको मैंने प्लस 2 माइनस 1 कर दिया, देख सकते हैं ऐसा, चलो 1 माइनस a की पावर 2x 1 माइनस a की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया बेटा हमारे पास y बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर 1 रह गया प्लस 2 a e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस का a e की पावर 2x dx और प्लस कांस्टेंट, हो गया इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, अब देखो क्या बनेगा, ये तो बन गया बेटा y, ये तो बन जाएगा y और ये क्या बन जाएगा, दो तो दो ही रहेगा, 1 का हो गया बेटा x प्लस ट्वाइस ऑफ a बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस a e की पावर 2x dx और प्लस कांस्टेंट c2। यहां तक बात समझ में आई क्या, इस इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या मान रहा हूं, लेट 1 माइनस
ए की पावर 2x को मैंने t मान दिया बेटा, क्या मान दिया t, तो क्या हो जाएगा देखना, इस जीवन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस ए ए रहेगा और e की पावर 2x का क्या होगा, 2e की पावर, 2e की पावर 2x, अरे a कांस्टेंट है, e की पावर 2x का 2e की पावर 2x और x का हो गया x बराबर dt। हमारे पास क्या आ गया यहां से, a e की पावर को 2 भी है यहां मल्टीपल में, कंप्लीट ही है ना, 2 a e की पावर 2x, dx का मान हो गया बेटा माइनस dt, माइनस dt, 2 a e की पावर 2x dx ये पूरा हो गया माइनस dt, नीचे t, तो क्या हो जाएगा, therefore from, therefore, y बराबर हो जाएगा बेटा, twice तो बाहर है ही, क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt upon t और प्लस कांस्टेंट c2, ये आ जाएगा बेटा y बराबर 2x, 2x माइनस 2 log t, 2 log a t और प्लस कांस्टेंट c2, ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटा, t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू रखेंगे y बराबर 2x माइनस का 2 log 1 माइनस a e की पावर 2x को मैंने t माना था और प्लस कांस्टेंट c2, ये जो रिलेशन आया है आपके सामने इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, समझ में आए, ये x और y रिलेशन आ गया विद द टू ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स a एंड c2 व्हिच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया बढ़िया से, तो हमने क्या सीखा है बेटा कि ऐसी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y डायरेक्टली कंटेन नहीं करता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाए उसका हमने प्रोसीजर देखा है इस एग्जांपल में, और ये 2015 में आया हुआ भी है, तो इसको कंप्लीट आप लोग लिख लेंगे, आप सभी इसको कंप्लीट लिख लेंगे। चलो अच्छे से लिख लो, बढ़िया तरीके से, ठीक है, स्लाइड मुझे बताते रहना, मैं ऊपर कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा देखिए हमारी ये फर्स्ट पेपर की डिफरेंशियल इक्वेशन की तो क्लास है आज, शायद 14 क्लास है, ठीक है, और लगी मान के चलिए कि एक दो क्लास आपको और अगर हो सके तो YouTube प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, अदरवाइज हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज होगी वो एप्लीकेशन पे होगी, हमारे कोचिंग के एप्लीकेशन पे होगी, और जो भी बच्चा आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो फीस जमा कराएगा और एप्लीकेशन में एड होंगे, ठीक है, तो मान के चलिए कि बस लास्ट एक दो क्लास आपको और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और देन हम हमारे एप्लीकेशन पे क्लास होगी और वहीं पे एक पेपर और स्टार्ट कर दिया जाएगा, दो पेपर एक साथ चलेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, और टाइमिंग का जो भी शेड्यूल होगा ये और बता देता हूँ, एप्लीकेशन पे जो हमारी क्लासेस होगी वो बेटा लाइव होगी और उसके बाद वही क्लासेस वहां रिकॉर्डेड भी रहेगी, ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि एप्लीकेशन पे वहां पर क्लास को लाइव अटेंड करें, ठीक है, उससे इंटरेक्शन अपना अच्छा रहता है, तो जो भी बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं नीचे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे बात करेंगे, किस तरह से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे चलेगी क्लास, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कितनी फीस है, सारी जानकारी वहां से लें, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है बच्चा। चलो यहां तक लिख लिया बेटा, और जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है वो कंप्लीट देखेंगे और जज करेंगे। देखो क्लासेस इसीलिए भी प्रोवाइड कराई हुई है कि आपको किस तरह से किस स्टैंडर्ड से पढ़ाया जा रहा है वो आप जज करें और उसके बाद हमसे जुड़े, ठीक है, यहां तक लिख लिया बेटा सबने। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन को ही लेते हैं हम,
देखिए यहां तक लिख लिया बेटा सबने, देखिए ऑन इंटरग्रेटिंग वाले पार्ट से आगे कंप्लीट देखेंगे, फटाफट फटाफट लिखेंगे। देखिए तो यहां से आगे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, और देन नेक्स्ट क्लास जो हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर होगी उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना पढ़ाने का यही वे रहेगा बेटा। और आप देखते हैं कि लगभग जो एग्जाम्पल आए हुए एग्जाम में वो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को करवा दूं, अदरवाइज आपको साथ साथ मेरे साथ साथ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करती रहनी है। और अनसोल्ड क्वेश्चंस लगभग ये मान के चलिए कि लगभग एक्सरसाइज के सारे सवाल अपन यहाँ बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे फटाफट। बिल्कुल अच्छे से सेपरेट करते हुए ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन को, अच्छे से आराम आराम से प्रैक्टिस करो। ठीक है, कहीं भी भाग के नहीं जाना है अपने को, आराम से प्रैक्टिस करो। बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, एग्जांपल्स भी है, अनसोल्ड भी है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है बेटा ज्यादा से ज्यादा। आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है कि ये क्वेश्चन ये करवाएंगे तो ही होगा, आप ट्राई करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों से, ट्राई करते रहिए, साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे डिस्कस। और इंटीग्रेटिंग वाला ये पार्ट यहां तक कंप्लीट लिखो। और देखेंगे लास्ट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2015 में आया हुआ भी एग्जाम में, एक क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये लिख लेंगे फटाफट से। देखिए तो क्वेश्चन लगभग कंप्लीट सबने लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? d2y upon dx square बराबर रूट ऑफ 1+dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है बेटा, सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is, क्या हो जाएगा बेटा, y" + रूट ऑफ 1+y² इक्वेशन 1 नॉट कंटेनिंग y डायरेक्टली। ओके, और y डायरेक्टली कंटेन नहीं करता है, यानी इक्वेशन वन मे बी सॉल्व By assuming क्या कि y' means dy/dx is equals to p। तो लोएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है बेटा, लोएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का ही है,
उसको हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल पी से कंसीडर करते हैं और वही हमने यहां पर किया है। आप देख रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, y डबल डैश दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर बराबर dp अपॉन dx। ये देख रहे हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, यहां से देखेंगे देयरफॉर फ्रॉम वन, फ्रॉम ए वन पुट करेंगे बेटा, ये हो गई वैल्यू dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर, वन प्लस पी स्क्वायर। आप देख रहे हैं फिर से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिनमें हम चरों को पृथक कर सकते हैं। तो dp के साथ p का फंक्शन लिख देंगे और dx के साथ x के फंक्शन लिख रखते हुए हम दोनों से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देख रहे हैं आप dp अपॉन रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा बेटा dx, और ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, समाकलन कर दे बेटा, देखो समाकलन होगा इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पर ए की वैल्यू क्या है वन, पी की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है पी, दैट इज क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स, सॉरी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी बराबर डी एक्स का हो जाएगा एक्स और प्लस सी वन। We have to find the value of p. हमें p का मान ज्ञात करना है बेटा। p का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? Sin hyperbolic inverse को उस तरफ अपन ट्रांसफर कर देंगे। क्या हो जाएगा? इधर तो हो गया p बराबर sin hyperbolic हो जाएगा x plus c1. p का मतलब है बेटा dy by dx. ये हो जाएगा sin hyperbolic inverse sin hyperbolic x plus वन, और इंटीग्रेशन dy बराबर क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस सी वन dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन से ही आ जाएगा बेटा y, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन होता है कोस हाइपरबोलिक, नेगेटिव नहीं आता है बेटा ध्यान रखना, कोस हाइपरबोलिक x प्लस सी वन और प्लस सी टू, ये हमारे पास जो रिलेशन आया बेटा यहाँ पर कि फाइनल रिलेशन, इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर एक, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन। ठीक है बेटा, सबके समझ में आया अच्छे से, तो ये लिख लेंगे, बहुत आसान सा बहुत छोटा सा सवाल जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और देन ये वाला पोर्शन लिखेंगे नीचे तक। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे। तो इस तरह से हमने आज देखो इक्वेशंस जो आप हमारे सामने आ रही है यहाँ पर, वो तो हमने पहले पढ़ी हुई है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की विद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, हमने ग्रेजुएशन वाले पार्ट में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है पर्टिकुलर फॉर्म्स है उनको पहचानना है, और पहचानने के बाद बाय दिस सब्स्टिट्यूशंस हम उनको किन में रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, जिस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व की जा सकती है जो हमने पढ़ी हुई है उस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस होकर आ रही है और हम उनको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया सभी, और फिर से मैं बता रहा हूं
लगभग ये यहाँ तक लिख लिया होगा सबने, लगभग एक या दो क्लास के बाद हमारी जो क्लासेज होगी वो एप्लीकेशन पे होंगी, ठीक है, कोचिंग का जो एप्लीकेशन है उस पे। तो जो भी बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो फीस हम सबमिट करवाएंगे, फी कितनी है, क्या है, कैसे जमा करानी है, तो सारी डिटेल आपको जो नीचे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं उन पे आप बात करेंगे और वहां से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा हमारी, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के कुछ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।